Hello and welcome back to your favorite show, The Journey. एक सफर मूसा के साथ। 40 साल मूसा जंगल में इजरायलियों को लेकर चलता रहा। मूसा आगे आगे चल रहा है, इजरायली पीछे पीछे चल रहे हैं, और हम इन 40 दिनों में मूसा के जीवन के इन 40 सालों को बारीकी से देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को चला सकें। जब यीशु मसीह 40 दिन जंगल में निराहार थे और खुदा के उस बड़े काम के लिए जो उनके हाथों में था तैयार कर रहे थे, ही वॉज लुकिंग वेरी केयरफुली इन टू द लाइफ ऑफ मोसेस। क्योंकि जब आखिर में शैतान इबलीस आकर उसकी परीक्षा करता है, तो यीशु मसीह का हर जवाब मूसा की बातों और मूसा की किताबों से था। कहता है इबलीस आकर के कि इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, तुम्हें तो भूख लग रही है ना, भूखे हो ना, पत्थरों से कहो रोटी बन जाए। तो जवाब दिया और उसने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक उस बात जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है जीवित रहेगा। इट वॉज राइटिंग ऑफ मोसेस, व्यवस्था वरुण 8वां अध्याय। फिर कहता है अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे तो फरिश्ते तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैर में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु मसीह फिर कहता है, लिखा है, मूसा ने लिखा है, मेरे बाप ने मूसा के द्वारा लिखवाया था और मूसा कह रहा था अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। फिर कहने लगा कंगूरे पर ले जाकर के, यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा, लिखा है कि तू अपने खुदा को छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। जीसस पेड अटेंशन टू द लाइफ ऑफ मोसेस व्हेन ही वाज इन विल्डरनेस, ही वाज लोनली, ही वाज फास्टिंग, ही वाज लुकिंग अप टू मोसेस, मूसा को और मूसा के तौर तरीकों को देख रहा था। जब आप इन दिनों में उपवास में हैं, दुआ में हैं, इबादत में हैं और खुदा की नजदीकी में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइए हम मूसा को देख करके सीखें, समझें और जाने हमारे लिए क्या जरूरी है। इस 6th एपिसोड में आज हम बात करेंगे वो डायलॉग, वो बातचीत जो मूसा और खुदा के बीच में होती है। जलती झाड़ी में मूसा को खुदा का दर्शन मिलता है, मूसा आश्चर्यचकित रह जाता है, खुदा से बात करता है, खुदा कहता है अपनी जूती उतार दे, वो उतार करके वहां घुटने के बल बैठा है, खुदा से बात कर रहा है, खुदा उससे बात कर रहा है, एंड सम वैल्यूएबल लेसन्स कम आउट ऑफ दिस डायलॉग। मूसा और खुदा के बीच में ये अद्भुत वार्तालाप है। और यूं लिखा हुआ है निर्गमन उसके 4th अध्याय में और 2nd पद में, और खुदा मूसा से कहता है, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा चरवाहा था, अपने ससुर यत्रो की भेड़ बकरियां चराता था, और वो अपने हाथ में एक चरवाहे की लाठी लिए हुए था जिनसे वो भेड़ों को हांकता था और यदि कोई जंगली जानवर आ जाए तो उसे भगाता था। और जब उसे ऊपर नीचे राहों पर चलना है, आड़ी तिरछी जगहों पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर चढ़ना है तो उस लाठी को टेक कर आगे बढ़ सके। इट वॉज अ वेरी डियर थिंग फॉर मोसेस टू कैरी हिज रॉड बिकॉज दैट वॉज काइंड ऑफ अ ओनली प्रोटेक्शन दैट ही हैड। अब जंगल में जहां वो अकेला है, सफर कर रहा है, चरवाही कर रहा है, पहले तो उसके पास तलवारें हुआ करती थी, सैनिक हुआ करते थे, ढाल हुआ करती थी, और जो चाहता वो हथियार उसे मिल जाता। पर अब फिरौन के घर में तो है नहीं, अब तो जंगल में है, और एकमात्र जो उसके पास सुरक्षा और आत्मरक्षा की चीज है वो उसकी लाठी है। खुदा पूछता है, तेरे हाथ में क्या है? क्या खुदा आपको दिख नहीं रहा था? क्या खुदा आप जानता नहीं था? नहीं, उसे मालूम था। वो तो ये भी जानता था कि ये लाठी बादाम के पेड़ की टहनी से या लट्ठे से काट के बनाई गई है। गॉड न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट ट्री एंड इवन अबाउट दैट रॉड। But he wanted to ask Moses, बताओ Moses भाई तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मूसा कहने लगा, क्या है मेरे हाथ में? कुछ नहीं है सर, मेरे हाथ से सब कुछ चला गया है। पहले था मेरे पास अधिकार, पहले था मेरे पास अंगूठी, पहले था मेरे पास आशा, पहले था मेरे पास फिरौन की तलवार, अब कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली है। खुदा ने कहा, नहीं मूसा देख, तेरे हाथ में कुछ तो है। क्या है मेरे हाथ में?
मेरे हाथ में ये लाठी है, लाठी। उसने कहा मुझे दे दे, बस यही लाठी है, ये भी ले लोगे? उसने कहा हाँ मुझे दे दे। क्या करोगे? जमीन पर डाल दे। मूसा ने अपनी वो आड़ी तिरछी लाठी, जो उसे लगता था उसके सहारे की लाठी है, उसे लगता था उसकी सुरक्षा की लाठी है, उसे लगता था उसकी मदद होगी इस लाठी से, जमीन पर डाल दी। जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली, बाइबल कहती है मूसा की लाठी सांप बन गई। मूसा डर गया, घबरा गया, चौंक गया। खुदा ने कहा इसे उठा ले। कैसे उठाऊं? उठा ले, पूंछ से पकड़ उठा ले। मूसा आगे बढ़ा, उसने पूंछ पकड़ी और लाठी उठा ली। अरे सांप हमेशा सर से पकड़ा जाता है, गले से पकड़ा जाता है, गर्दन से पकड़ा जाता है, देखा होगा आपने। God has his own ways। उसने कहा पूंछ पकड़ ले, उठा ले। उसने जैसे ही पूंछ पकड़ी, वो लाठी जो सांप बन गई थी वापस लाठी बन गई। Now this ordinary rod becomes a miracle working rod। फिर आप आगे देखते हैं कि मूसा ने हर जगह अपनी लाठी का इस्तेमाल किया है। जब कभी आप तस्वीर देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा मूसा के हाथ में लाठी है, पर इससे पहले कि ये मूसा की साधारण लाठी चमत्कारी लाठी बन जाए, इससे पहले कि मूसा की ये लाठी आश्चर्यकर्म करे, इससे पहले कि ये मूसा की लाठी नील नदी का पानी लहू बना दे, इससे पहले कि ये मूसा की लाठी जमीन पर मारी जाए और धूल के किन के कुटकियां बन जाए, इससे पहले ये मूसा की लाठी लाल समुंदर दो भाग करे, जरूरी था ये लाठी खुदा को सौंप दी जाए। मुझे नहीं मालूम आपके पास क्या है और कितना इनसिग्निफिकेंट आपको दिखाई पड़ता है, पर आपसे कहना चाहता हूं इफ इट इज सो इनसिग्निफिकेंट कि आपको होश भी नहीं है, ये आपके पास है, आपकी जेब में है, आपके घर में है, खुदा ने आपको तोड़ा दिया, आप गुनगुनाते हैं और सब लोग हंसते हैं, कहते हैं हाँ हाँ जब महफिल जमेगी तो तुम जरूर से कुछ गाना गाना, तुम्हारे गीत से आशीष मिलती है। खुदा ने तुम्हें ये आवाज दी है ताकि तुम इससे खुदा की महिमा गाओ। सिर्फ फिल्मों के गीत गाने, सिर्फ लोगों के सामने वाहवाही के लिए मत गाओ, बट यूज योर टैलेंट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हाट डू यू हैव? इट्स अ क्वेश्चन इन द विल्डरनेस, जब उसके पास कुछ नहीं है, ना जेब में पैसा है, ना खाना है, ना घर है, ना ताज है, ना अंगूठी है। खुदा पूछ रहे तेरे पास क्या है? मेरे पास तो बस ये लाठी है। तेरी लाठी को आसमान का खुदा आश्चर्य कर्मों से भर देगा, पर इसे खुदा को सौंप दे। तुम्हें लगता है तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारा चर्च, तुम्हारी कलीसिया बहुत छोटी सी है, तुम्हारी नौकरी बहुत छोटी सी है, हम क्या बताएं, हम तो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। गिव इट टू गॉड। सुनिए ध्यान से, आश्चर्य कर्म कभी भी आसमान से शुरू नहीं होता है। द मिरेकल्स विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम हेवन, बट मिरेकल्स विल ऑलवेज बिगिन विथ व्हाट यू हैव। याद है ना, परमेश्वर ने उस कहानी में जो एलिशा की और उस बेवा की थी, जिसके घर में जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था, वो आ गए थे कि उसके बच्चों को घसीट कर ले जाएं। जब वो एलिशा के पास आई और कहने लगी कि मेरा पति मर गया है, वो तेरा खादिम था, वो खुदा का खादिम था, वो खुद भी भविष्यवक्ता था, अब बताओ मैं क्या करूं, तो एलिशा ने उसी तरफ देखा और पूछा तेरे पास क्या है? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपके पास आती। कुछ नहीं है मेरे पास, मैं गरीब हूं, सब कुछ चला गया हमारा, गिरवी रखा है, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं, तुझे पता नहीं, पर तेरे पास कुछ तो है। कहने लगी तेरी दासी के घर में कुप्पी में जरा सा तेल बस, और कुछ नहीं। उसने कहा काफी है। The miracle will begin with what you have. Don't wait कि आसमान से ढेर सारा पैसा गिरेगा तब हम कितना लगाएंगे, जो तुम्हारे पास उससे शुरू करो। प्रभु तो अगर तू हमें एक इलेक्ट्रिक गिटार देगा तब हम तेरी हम करेंगे, अरे घर में तुम्हारे जो कुछ है उससे शुरू करो। तुम्हारा 2000 रुपए का गिटार ऐसे गीत लिखेगा कि तुम कहोगे ये तो आश्चर्य कर्म है, बीमार चंगे हो जाएंगे। स्टार्ट विथ वॉट यू हैव। आसमान के खुदा ने मूसा को आसमान से एक चमकीली सुनहरी गोल्डन लाठी दी ताकि वो चमत्कार करे, जी नहीं। उसने कहा घिस कर एक अच्छी लाठी बना और ताकि वो चमत्कार, नहीं। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? जो तेरे हाथ में है बस मुझे दे दे, देख आश्चर्यकर्म होगा। उसने कहा एलिशा ने उस औरत से, जो तेरे घर में तेल है ना, बस वो कुप्पी काफी है,
जा ढेर सारे बर्तन मांग ले और उसे मिलती जाना। उस कुप्पी में जरा सा तेल है, आधा ग्लास भी नहीं आएगा। अरे तू खुदा की बात मान, अब वो कुप्पी तेरे हाथ में नहीं और अब वो तेल तेरा नहीं, क्योंकि तू मेरे पास आई थी, देख मैंने उसमें आश्चर्यकर्म रखा है। एंड मिरेकल हैपेंड, बर्तन भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, तेल बहता गया बहता गया बहता गया, और जब बर्तन खत्म हो गए तब तेल रुक गया। खुदा तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी, पर जो तुम्हारे पास है वो खुदा के हुजूर लेके आओ। ये लड़का ले आया अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां, 5,000 के लोगों ने खाया और 12 टुकड़े बच भी गए। खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा बहुतों को सैराब करने के लिए, पर जो तुम्हारे हाथ में है ना अपना बच्चा, जो तुम्हारे हाथ में है अपनी छोटी सी तनख्वाह, जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी छोटी सी गवाही, जो तुम्हारे हाथ में है छोटा सा कलाम, जो तुम्हारे हाथ में है इसे खुदा को दे दो और देखो आसमान का खुदा तुम्हारे द्वारा क्या कर सकता है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम अभी किसी को ये फॉरवर्ड करो, तुम्हारे हाथ में है तुम किसी को अभी इनवाइट करो, तुम्हारे हाथ में है जो खुदा ने तुम्हें सेवकाई दी है, डू इट एंड गॉड विल ब्लेस यू। खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हारा घर खुदावन से और खुदावन की मामूरी से भरा रहे। जर्नी ऑफ मोसेस, 40 years इन वर्ल्डनेस, वी आर लर्निंग इन 40 days। और मेरी दुआ यह है आसमान का खुदा तुम्हारी जिंदगी में अपने बड़े काम को करे।